लेना चाहिए वरना तुम्हें डांट पड़ेगी। ये कॉमिक पढ़ने के बाद साफ करूँगा। नो बेटा, तुमने अपना कमरा साफ किया? मैं आकर देखने वाली हूँ। तुमने कमरा साफ नहीं किया। अरे कमरा तो साफ है। देखा, तुम कर सकते हो नोबिता। तुम्हें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए बेटा। डोरेमोन, तुमने ये सब कैसे किया? ये किसी भी चीज पर फेंको तो वो डूब जाती है। इसके नीचे है। ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बाइट चाहिए, समझे? ठीक है, एक ही बाइट लेना।
अब मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। वाह ये तो स्वादिष्ट है, ये मेरा फेवरेट है। चलो मुझे एक और बाइट दो।
छोड़कर मत जाना। तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन। मॉम आप कहाँ हो? आप ठीक हैं मॉम? अरे नहीं, ये अचानक से रात कैसे हो गई? तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तुमने फिर से रूम गंदा किया? तुम्हारे कपड़े भी बिखरे हुए हैं। नोबिता, कहाँ हो तुम? डोरी मॉन, मुझे फिर से सिंगिंग बॉल्स लो ना। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो डोरी मॉन। मैं नहीं दूंगा। नोबिता के खजाने की तरफ बात है।
ये देखो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ये तो अच्छी बात है, इसमें से काफी सारी चीजें नई दिख रही हैं। अरे दा, ये तो मेरी ही कॉमिक है। मुझे लगता है जियान अपने दोस्तों का छीना हुआ सामान लेकर आया है। अरे बुरा मत मानो। शिजुका, तुम्हारे पास कोई महंगी चीज है? हाँ? वो मेरा मतलब तुम्हारा वो खजाना कहाँ है? वो खजाना तो मैं अपनी डॉल का बहुत ख्याल रखती हूँ, ये मुझे मेरे अंकल ने दी थी। क्या, ये क्या कहा तुमने? तुमने मुझे इतनी दूर इस चीज के लिए क्यों बुलाया नोबिता? ये लो। ये मुझे दे दो। हाँ? ये तो बहुत ही पुरानी डॉल है। चलो देखते हैं इसके कितने पैसे मिलेंगे। पुरानी चीजों का दाम हमेशा ज्यादा मिलता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ शिजुका। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए नोबिता, मुझे मेरी डॉल वापस लाकर दो अभी। लेकिन कुछ चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती है नोबिता, समझ गए? मेरी प्यारी डॉल, मुझे माफ कर दो। अगर मैं ढूंढूं मुझे कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है। मुझे नहीं लगता हमें कोई अच्छी चीज मिलने वाली है नोबिता। ये तो वही पीटर अंकल है। इन अंकल को पैसों की बहुत परेशानी है। हाँ, देखकर लगता है। क्या हम उस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। अरे क्या हुआ? हेलो, वो हम अच्छा, इस मशीन में सामान डालो तो ये तुम्हें पैसे देगी। अच्छा, अब पुरानी चीज चलेगी क्या? हाँ शायद। पुराने चीजों के भी पैसे मिलते हैं। अब इसे ले लो। शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है हम इनकी थोड़ी हेल्प कर पाए। ये लो। अरे वाह, ये मेरे लिए है क्या? डोरेमोन, क्या हुआ? ये अच्छी बात नहीं है। बुरा नहीं मानना, मुझे बस शुक्रिया कहना है। ये लो। शुक्रिया। ये बहुत स्वादिष्ट है। बाय बाय। बाय। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम्हारे पास कोई मजेदार गैजेट है ना? हमें इस गैजेट से अच्छी चीजों के ज्यादा पैसे मिलते हैं ना? मुझे कीमत जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इन चीजों की असली कीमत बताना चाहूँगा, समझे ना? लेकिन मैं मशीन से ज्यादा पैसे निकालते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं, अब
मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। क्या? अब मेरे पास पेंटिंग का कोई टैलेंट नहीं है, मैं हार गया और अपने गांव जा रहा हूँ। अरे नहीं। तुम दोनों को मिलकर अच्छा लगा, चलता हूँ। रुकिए अंकल, शायद इन पेंटिंग के कुछ पैसे मिल जाए, है ना? मुझे पता नहीं, पर इतनी सारी पेंटिंग्स बेचकर शायद इनकी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ज्यादा पैसों की उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ, हाँ। प्लीज गैजेट, मैं चाहता हूँ इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। इतने सारे पैसे हैं। आपकी पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा है अंकल। अरे नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सारी पेंटिंग्स क्या तुमने बनाई हैं? अरे नहीं नहीं अंकल, ये पेंटिंग तो उन्होंने बनाई है। हाँ जी, वो सब मैंने बनाई है। क्या सच में आपने बनाई है? माफ कीजिए, दरअसल मेरी एक बहुत बड़ी गैलरी है। गैलरी मतलब? गैलरी वो जगह होती है जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स बिकती हैं नोबिता। इसका मतलब? मुझे आपकी सारी पेंटिंग्स एक बार में ही पसंद आ गई, ये बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं इन्हें खरीद सकता हूँ? आप इन्हें खरीद सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी।